तो ब्रह्म की ब्रह्मा परीक्षा लेने के लिए उन गायों के बछड़ों को चुरा कर ब्रह्मलोक में ले गए और ब्रह्मलोक में लेकर चले गए। जब श्री कृष्ण ने देखा कि बछड़े नहीं दिख रहे तो कृष्ण बोले तुम बैठो तुम खाओ मैं अभी आता हूं बछड़े देखकर आता हूं। और जब बछड़े देखने गए तो पीछे से ब्रह्मा जी इन ग्वाल वालों का भी हरण करके ले गए। ब्रह्मा जी कौन है कितने पर बछड़े भी चुराए और ग्वाल वाल भी चुराए किसके ब्रह्म के पूर्ण भगवान के उसके बछड़े चुरा लिए। पहले तो कृष्ण ऐसे रोने लगे जैसे एक बच्चा रो जाता है अपने मित्रों को खो जाने पर खुद जंगल में रह जाने पर। पहले तो ऐसे रोने लगे श्री कृष्ण और जब थोड़ी देर बाद समझ में ब्रह्मा जी ने देखा ये कैसा ब्रह्म ये तो बच्चों की तरह रो रहा है ये तो ब्रह्म है ही नहीं साधारण कोई है। और जब कृष्ण को समझ में आया अरे ये तो गड़बड़ है ये तो ब्रह्मा जी कर रहे हैं चलो अब इनको परीक्षा दे देते हैं। झट मेरे प्रभु ब्रह्मा जी को परीक्षा देने के लिए तैयार हो गए। कैसे तैयार हुए बोले जितने बछड़े चोरी हुए उतने बछड़े बन गए श्री कृष्ण और जितने ग्वाल चोरी हुए उतने ग्वाल बन गए श्री कृष्ण। इसके पीछे भी एक कहानी है एक कथा है क्यों बने। बोले एक दिन सारी गाय वैसे कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे ना क्या बजाते थे बांसुरी मेरे श्याम ये बता दे ये तान कौन सी है कौन सी तान ये तान कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं गाय सुनती हैं लाखों लाखों गाय हैं कृष्ण के पास दौड़ी चली आती है कृष्ण को चारों तरफ से घेर लेती हैं और कृष्ण को प्यार करने लगती हैं कृष्ण को चाटने लग जाती हैं अपनी जिभ्या से। चाटने लग जाती हैं अपनी जिभ्या से चारों तरफ से घेर लेती हैं श्री कृष्ण को बहुत प्रेम करती है। लेकिन एक दिन श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं वो कोई भी गाय नहीं आई वहां कोई भी गाय नहीं आई। कृष्ण को लगा आज हमारी गाय गोपाल से नाराज हो गई ऐसा क्यों तो स्वयं श्री कृष्ण गए हाथ जोड़े और पूछा हे मां क्या इस गोपाल से कोई गलती हो गई ये गोपाल तो आया ही आपकी सेवा करने के लिए है तो आज हमने बुलाया आज आप पधारी नहीं। तो सबकी आंखों में आंसू था गायों की आंखों में आंसू। पूछा माँ क्या हुआ हमसे कोई अपराध हो गया। गायों ने मानो कहा हम आपसे बात नहीं करेंगे। क्यों क्यों नहीं करेंगी आप बात बताइए तो क्या अपराध हुआ है। बोले अपराध नहीं है ये सिर्फ आप श्यामा गैया का दूध पीते हो। हम सब हैं यहाँ हमारी भी इच्छा है हमारा भी मन है हम भी चाहते हैं कि आप हमारा दूध पिए। हम सौभाग्यशाली हैं हमारा गोपाल कृष्ण है कृष्ण हमारा पालन करता है कृष्ण हमें चराने कृष्ण जाता है ये हमारा सौभाग्य है। लेकिन कृष्ण हमारी तो सेवा करता है परंतु हम हमारी सेवा कृष्ण नहीं लेता हम पे क्या है हम आपको क्या दे सकते हैं सिवाय दूध के और वो भी दूध आप हमारा पीते नहीं हो अकेली श्यामा गैया का पीते हो। हे कृष्ण अब आप श्यामा गैया को ही चराओ अब हम आपके पास नहीं रहेंगे हम आपके साथ नहीं रहेंगे। कृष्ण ने कहा मां अपने बच्चों पे इतना क्रोध नहीं करते विश्वास करो मैं सबका दूध पीऊंगा मैं आया ही हूँ सबको प्रसन्न करने के लिए मैं आया ही हूँ आपकी सेवा करने के लिए। भगवान कौन है जो किसी को दुखी नहीं करता सबको प्रसन्न करता है सबके दुखों का निवारण करता है सबके दुखों का निवारण।
करे जो श्याम से अरदास, करे जो श्याम से अरदास, उसे श्याम सुनता है। करे जो श्याम से अरदास, उसे मेरा श्याम सुनता है। चले जो श्याम से मिलने, उसे मेरा श्याम मिलता है। उन गायों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए ब्रह्मा जी के मन में यह ब्रह्म पैदा कर दिया, ये ब्रह्म कैसा, तो वो सब बछड़ों को चुरा के ले गए। और जितने बछड़ों को चुरा के ले गए उतने बछड़े कन्हैया बन गए। अब यशोदा जी के भाग्य को देख देख कर जो ब्रज की और बूढ़ी माएं थी ना, वो भी बड़ी हृदय में कुंठित होती थी, परेशान होती थी, यशोदा तेरा बड़ा भाग्य है। पूरन ब्रह्म तेरी गोद में, यशोदा तेने पायो। अरे यशोदा, न जाने तेने कौन से पुण्य करे जाकी वजह ते यो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आज तेरी गोद में खेल रहे हो। जिसके इशारे से दुनिया नाचती है, आज वो तेरे इशारों से जगता है, तेरे इशारों से सोचता है, सोता है तेरे इशारों पे चलता है, आता है जाता है, खाता है पीता है, रहता है सोता है जागता है, सिर्फ तेरे इशारों पर। यशोदा तेरो बड़ो ही हृदय है, बड़ो भाग्य है तेरो। सुंदर श्याम कमल दल लोचन, तेने गोद खिलाए, यशोदा पूरण ब्रह्म तेरे घर आए। मेरे भाई बहन, तो वो जितनी भी वृद्ध माएं थी वो भी चाहती थी कि कृष्णा हमारे बालक बन के हमारे घर में भी खेले, हमें भी माँ का सुख दे। तो बछड़े की जगह बछड़े भी चोरी कराए और ग्वाल वाल भी चोरी करा दे, और उस जगह पर स्वयं श्री कृष्ण बने। शाम को गैया जब दूध काटने का वक्त आया, बछड़े छोड़े गए, तो और दिन तो वो तृण खाती खाती चरती चरती दूध देती थी। आज जब बछड़े छोड़े गए तो गायों को बछड़ा देख रहा है, बछड़ों को गाय देख रही है। बछड़ों को गाय देख रही है, और बछड़े भी कन्हैया भी गाय का दूध पीते पीते उन गायों की तरफ देख रहे हैं, गायों को देख रहे हैं। गाय रो पड़ी, गाय रो रही है, और जब गाय रो रही है तो पूछा, अब क्यों रोती हो मां? पहले तो आप कहते थे कि कृष्ण हमारा दूध नहीं पीते, और अब हम जब दूध पी रहे हैं तो अब क्यों रो रही हो? तो वो गाय कहती है, हे कृष्ण, हे प्रभु, हे गोविंद, पहले हमारी आंखों में दुख का आंसू था कि कृष्ण हमारा दूध नहीं पी रहा, और आज हमारी आंखों में प्रसन्नता के आंसू हैं कि हमने न जाने कौन से पुण्य किए हैं जो आज अखिल ब्रह्मांड नायक हमारा दूध पी रहा है, हमारा भाग्य है। हे मेरे भाई बहन, दुनिया के लिए तुम कुछ भी करके मर जाओ, ये दुनिया तुम्हें याद करने वाली नहीं, लेकिन मेरे कन्हैया के लिए इतना भी कर जाओगे तो मेरा कन्हैया भूलने वाला नहीं, मेरा कृष्ण हमेशा उसे याद रखेगा, हमेशा। राधे राधे बोले। ये माता बबुआ यही बजा रहे हो ना? अब हमको कहाँ आती है बबुआ वाली भाषा।
तुम बजाते रहते हो, ये भी यहीं के हैं बजान वाले। इधर देखिए, राधे राधे बोलिए। श्री कृष्ण ब्रज में ब्रजवासियों को सुख देने के लिए नाना प्रकार की लीला कर रहे हैं। अब ब्रह्मा जी बड़े खुश हो रहे हैं कि हम तो बछड़ा और ग्वाल बाल चुरा लाए, अब तो नीचे जाके देखें क्या हो रहा है। जब नीचे जाके देखा तो वहां तो कोई असर ही नहीं किसी पे, वहां तो आनंद आ रहा है। मैया अपने बच्चों के साथ प्रसन्न है, गाय अपने बछड़ों के साथ प्रसन्न है, वहां तो किसी को पता ही नहीं कुछ एक हुआ क्या। ब्रह्मा जी कहीं बोले कहीं ऐसा तो नहीं ब्रह्मलोक से नीचे भागाए हो, ये ब्रह्मलोक में गए तो वहां जाके देखा, वहां तो रो रहे हैं ब्रजवासी। कन्हैया 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 पुकारा करेंगे लताओं ब्रज की गुजारा करेंगे, अगर रूठ जाएंगे हमसे बिहारी, अगर रूठ जाएंगे हमसे बिहारी, चरण पकड़ उनको मनाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, बनाएंगे हृदय में हम प्रेम मंदिर, बनाएंगे हृदय में हम प्रेम मंदिर, वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया ब्रजवासी रो रहे हैं, बछड़े रो रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा ये कैसी विचित्र माया, यहाँ बछड़े जिनको मैं चुरा के लाया था वो रो रहे हैं, दुखी हैं, ग्वाल बाल दुखी हैं, और वहां नीचे तो सब हैं, फिर नीचे भागे फिर ऊपर आए फिर नीचे फिर ब्रह्मलोक में ये देख रहे हैं।